बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन और बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण एक साथ आ रहे हैं फाइटर में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान और आप देख रहे हैं द मीडिया मैग्नेट और बात करेंगे आने वाली फिल्म फाइटर की। फाइटर का ट्रेलर आ चुका है, गाने भी रिलीज हो चुके हैं, गाने बड़े धमाकेदार और डांसिंग नंबर्स हैं। आपका भी मन करेगा कि आप उन गानों पर डांस करें। आपको पता है फाइटर फिल्म जो है वो इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म है। अच्छा, एरियल एक्शन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है जिसकी शूटिंग आसमान में की गई है, यानी जो आपने ट्रेलर में जो कुछ सीन्स देखे हैं वो वाकई आसमान में शूट किए गए हैं। पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन एक साथ नजर आ रहे हैं। एक्शन से ये भरपूर है और आसमान में एक्शन नजर आएगा। जी हाँ, फिल्म का जो ट्रेलर है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इसमें हवाई एक्शन होगा, किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा होगा जो आपको करेगा एंटरटेन। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर का जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो की जा रही है टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन से, जो कि 1986 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म में एरियल एक्शन था, आसमान में जिस तरीके के स्टंट थे वो वाकई देखने लायक थे। हॉलीवुड में तो कई ऐसी फिल्में बन चुकी हैं जिसमें आसमान में एक्शन हो रहा है, एरियल स्टंट हो रहा है, एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन बॉलीवुड में इस तरह की फिल्म नहीं बनी है। तो पहली बार कोई ऐसी फिल्म आ रही है जिसमें एरियल एक्शन इस तरीके से रियल में नजर आएगा। फाइटर में ऋतिक रोशन एयरफोर्स ऑफिसर बने हैं और वहीं दीपिका पादुकोण भी एयरफोर्स ऑफिसर के रोल में नजर आ रही हैं। वहीं अनिल कपूर का भी फाइटर में दमदार किरदार, दमदार रोल नजर आ रहा है। वैसे एवरग्रीन अनिल कपूर इस फिल्म में भी छाए हुए से नजर आ रहे हैं। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। वैसे ऋतिक रोशन के साथ सिद्धार्थ आनंद की ये तीसरी फिल्म है, थर्ड मूवी है। इससे पहले सिद्धार्थ आनंद ऋतिक रोशन के साथ बैंग बैंग और वॉर में भी काम कर चुके हैं, यानी तीसरी फिल्म सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन की एक साथ। वैसे इससे पहले जो दोनों ही फिल्में थी, चाहे बैंग बैंग की बात कर लें या फिर वॉर की, वो बॉक्स ऑफिस पर उन फिल्मों ने कमाल किया था। अब उम्मीद ये की जा रही है कि फाइटर भी कमाल करेगी। एक बार फिर से सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन का ये जो दोनों की जो जोड़ी है, इसका जादू बॉक्स ऑफिस पर चलेगा। तो देखा जाए तो जनवरी 2024 में कई धमाकेदार फिल्में रिलीज हो रही हैं, जहां कई बेहतरीन फिल्मों ने आगाज किया जनवरी के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में भी। उसी तरीके से ये फिल्म रिलीज होगी रिपब्लिक डे से एक दिन पहले, यानी कि 25 जनवरी को, यानी वीकेंड का पूरा फायदा, लोगों की छुट्टियां होंगी, उसका फायदा पूरा फाइटर को मिल सकता है। उम्मीद तो यही की जा रही है। 250 करोड़, जी हाँ, 250 करोड़ बजट की ये फिल्म है और अब देखना ये होगा कि इस फिल्म का जादू आप पर कितना चलेगा। तो दोस्तों, फिर से होगी आपसे मुलाकात, लेकिन जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और कुछ कहना है तो जरूर कॉमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, भूलिएगा नहीं। आपसे होगी फिर से मुलाकात, तब तक आप अपना रखिए ख्याल।